बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, हम फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें अल्लाह का ज़िक्र भी करना चाहिए, क्योंकि दिलों का इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। और आपको पता है कि अल्लाह के नाम याद करने चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, और सबसे बेहतरीन ज़रिया कुरान मजीद है। इसको तर्जमे के साथ पढ़ना चाहिए। जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, उनको छोटी छोटी दुआओं को याद करें और अपने ऊपर लाजिम कर लें कि रोज़ की कम अज़ कम 3 आयात कुरान मजीद की पढ़नी है, और एक हदीस पढ़नी है, क्योंकि तभी हम में सीधे रास्ते का पता चलेगा और तभी हम इत्मीनान के साथ दुनिया में ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दीन और दुनिया दोनों की भलाई अदा करे। हम अपने सबक की तरफ आते हैं। सॉलिड्स को उर्दू में ठोस कहते हैं। मैटर दैट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, मादा की वो शक्ल जिसका मुस्तकिल शक्ल भी होती है और वो हुजम भी रखता है। जैसे हम अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, जो इस तस्वीर में भी देख रही हैं, ये सारी सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, काजीज आर सॉलिड टू हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल होते हैं वो बिल्कुल साथ साथ जुड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक मुस्तकिल शक्ल और हुजम होता है। पार्टिकल्स डोंट मूव बट वाइब्रेट वेरी क्लोजली, हीट इंक्रीजेज दैट वाइब्रेशन। जो सॉलिड्स में पार्टिकल होते हैं वो मूव नहीं करते, लेकिन वो एक दूसरे के करीब रहते हुए इरताश या वाइब्रेशन होती है और हीट उनकी वाइब्रेशन को इंक्रीज करती है। मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टर्निंग इन टू अ लिक्विड, मेल्टिंग पिघलने को कहते हैं, जिससे एक अमल है जिससे ठोस जो है वो माया में तब्दील हो जाता है। टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इन टू अ लिक्विड एट वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। सॉलिड सैंपल्स मेल्ट ग्रेजुअली, मेल्टिंग पॉइंट वो दर्जा हरारत जिस पर ठोस माया में तब्दील हो जाता है एक एटमोस्फेरिक प्रेशर पे, ठोस जो है वो बतदरीज पिघलता है, यानी उसे थोड़ा टाइम लगता है, वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलता है। आपने देखा होगा बर्फ़ जब पिघलती है, पानी में तब्दील होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होती है। रिजिडिटी रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड टू रिजिस्ट चेंज इन इट्स शेप, रिजिडिटी या किसी चीज़ का सख्त होना वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी शक्ल में तब्दीली पे मज़ाहमत करता है, रिजिस्ट करता है। टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड्स की 2 टाइप्स होती हैं, क्रिस्टेलियन सॉलिड एंड एमोफस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसको कहते हैं जिसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऑर्डरली होती है, और एमोर्फस वो जो भुरभुरे से होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, रेगुलर पैटर्न है, और उसके मुकाबले में ग्लास जो है वो भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसका इरेगुलर पैटर्न है, तो दोनों के अरेंजमेंट में फ़र्क होता है। इसी तरह क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन एमोर्फस सॉलिड जो है मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आम तौर पे जो एमोर्फस सॉलिड्स हैं उनकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो दीज सॉलिड्स डोंट मेल्ट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, दे सॉफन ग्रेजुअली ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। एग्जांपल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड्स इंक्लूड रबर, प्लास्टिक, एस्फॉल्ट, चॉकलेट, टॉफी वैक्स, ग्लास एंडसेट्रा। और जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी मिसाल में आयरन है, डायमंड्स हैं, आइस, सॉल्ट। अ क्रिस्टल इज अ सॉलिड दैट वाज स्लोली फॉर्म्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम, वी कॉल दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं वो उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और हमारे पास उनकी मिसालें डायमंड, आयरन, आइस और सॉल्ट हैं। वट इज एलोट्रोपी, एलोट्रोपी कहते हैं सम एलिमेंट एग्जिस्ट नेचुरली इन मोर देन वन फॉर्म, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एग्जिस्ट नेचुरली एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। आप देखें कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों कार्बन हैं, लेकिन ग्रेफाइट भुरभुरा काले रंग का होता है और डायमंड चमकदार खूबसूरत होता है। द कार्बन एटम्स आर अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न इन साइड द टू मटीरियल, दिस गिव देम डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो एटम्स हैं उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ भी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं,
केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल, वेयर एज द एलोट्रोप ग्रेफाइट इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट। यानी डायमंड जो है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट और ग्रेफाइट सॉफ्टेस्ट में से होता है। इसी तरह एलोट्रोपिक एलोट्रोप्स ऑफ ऑक्सीजन है, हमारे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन टू और ओजोन ऑक्सीजन थ्री आर आल्सो एलोट्रोप्स, दे आर बोथ गैसेस। इसी तरह हमारे पास फास्फोरस एलोट्रोप्स ऑफ फास्फोरस हैं, वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस आर एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट फास्फोरस। इसके अलावा हमारे पास एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर हैं, नीडल शेप क्रिस्टल्स कॉल्ड मोनोक्लिनिक सल्फर आर क्रिस्टल विच आर लाइक टू पिरामिड्स जॉइंट बेस टू बेस, रोम्बिक क्रिस्टल्स। तो एलोट्रोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम एटम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का नंबर एक जैसा होता है, एक ही एलिमेंट से बनते हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज फ़र्क होती हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच अ मटीरियल चेंजेस फ्रॉम क्रिस्टल स्टेट वन क्रिस्टल स्टेट टू अनदर। ट्रांजिशन टेम्परेचर उस टेम्परेचर को कहते हैं जिसमें मादा एक क्रिस्टल हालत से दूसरी में तब्दील हो जाता है। जैसे फास्फोरस का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 96 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 96 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम हो तो वो रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और अगर 96 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योरिंग इज द एडिशन ऑफ सॉल्ट शुगर एंड नाइट्राइट और नाइट्रेट फॉर द पर्पज ऑफ प्रिजर्वेशन फ्लेवर एंड कलर। मीट को हम प्रिजर्व करते हैं एडिशन ऑफ सॉल्ट से नाइट्रेट से और इसको शुगर से, इसको हम करिंग कहते हैं, इसे देर तक रखा जा सकता है। उम्मीद है आपको लेसन पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।